वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं और साथ में इंस्टाग्राम पर डीएम कर रहे हैं, भाई मेरा जी व्हाट्सएप प्रो V15 जैसे अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद मेरा सारा डाटा वहाँ से गायब हो जाता है, तो आप एक वीडियो बना कर दीजिए जिससे मेरा डाटा वहाँ से रिस्टोर हो जाए जी व्हाट्सएप V15 में। जैसे मैं अपना जी व्हाट्सएप यहाँ से ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं मेरा डाटा यहाँ पूरी तरह से गायब है। गायब होने में जैसे 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने में GB सेटिंग पर जाते हैं और यहाँ पर अपना वर्जन दिखा देते हैं, तो यहाँ GB व्हाट्सएप प्रो V15 है। तो आपको अपना जी व्हाट्सएप का डाटा कैसे रिस्टोर करना है, तो सिंपल सा आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूँ, तो आप स्टेप को बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि आप कोई भी गलती कर देते हैं तो आपका डाटा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो चलिए, इसके लिए आपको सिंपल सा अपना माई फाइल्स ओपन करना होगा। जैसे मैं अपने माई फाइल्स में जाता हूँ, माई फाइल्स में जाने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ से इंटरनल स्टोरेज पर आपको क्लिक करना होगा। इंटरनल स्टोरेज पर जाने के बाद आपको सिंपल सा स्क्रॉल करना होगा, स्क्रॉल करने के बाद यदि आपको कहीं जी व्हाट्सएप का कोई फोल्डर शो होता है तो सिंपल सा आपको उसको ओपन करना है। यदि नहीं शो हो रहा है तो सिंपल से यहाँ से com.gb सर्च करना है, जैसे com.gb इसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने जी व्हाट्सएप का फोल्डर आ जाएगा। सिंपल से इसको ओपन करना होगा, फिर जी व्हाट्सएप ऐप का आएगा तो सिंपल से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप सिंपल से यहाँ से डाटा और मीडिया का फाइल टोटली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ इंटरनल स्टोरेज में आपको जाके पेस्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मेरे डाटाबेस की फाइल आ चुकी है और यहाँ पे मीडिया की भी फाइल आ चुकी है। सिंपल सा इतना काम करने के बाद सिंपल सा आपको अपना जी व्हाट्सएप ओपन करना होगा। जी व्हाट्सएप पे सिंपल सा आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करते हैं, लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे आई बटन आएगा, आई बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। आई बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ स्टोरेज का ऑप्शन शो होगा, सिंपल से स्टोरेज पे जाएंगे। स्टोरेज पे जाने के बाद यहाँ पे क्लियर डाटा का ऑप्शन शो होगा, सिंपल से क्लियर डाटा कर देंगे। क्लियर डाटा करने के बाद आपको सिंपल से पुनः अपने फाइल मैनेजर में जाना होगा। सिंपल से मैं अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे सर्च करना होगा com.gb। जैसे आप com.gb सर्च करते हैं, जीबी व्हाट्सएप फाइल आ जाएगी। सिंपल से क्लिक करेंगे, क्लिक करने में आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना होगा और क्रिएट न्यू फोल्डर पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हैं आपको सिंपल से यहाँ से जिस तरह जिस अल्फाबेट में हम डाल रहे हैं वही आपको सेम टू सेम फिलअप करना होगा। सिंपल से आपको यहाँ डालना होगा जीबी व्हाट्सएप। जैसे मैं जी व्हाट्सएप डालता हूँ तो कुछ इस तरह का आपको भी जी व्हाट्सएप डाल देना होगा। GB GBW यहाँ पे कैपिटल रहेंगे और यहाँ पे एप का एक कैपिटल रहेगा। सिंपल सा आपको क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद सिंपल सा आपको जी व्हाट्सएप के अंदर जाना होगा। जी व्हाट्सएप के अंदर जाने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ से बैक करना होगा। बैक करने के बाद आपने जो फाइल कॉपी की है सिंपल से उस फाइल को यहाँ पेस्ट करना है। तो सिंपल सा मैं यहाँ से जाता हूँ और अपने डाटाबेस और यहाँ से मीडिया के फाइल को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपल सा कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद वहाँ ले जाके पेस्ट कर देते हैं। सिंपल सा पेस्ट करने के लिए सिंपल सा वही फोल्डर आपको ओपन करना है GB। जैसे मैं सर्च करके GB जाता हूँ, जाने के बाद GB व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा कॉपी हेयर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरा यहाँ डाटा कॉपी होगा। कॉपी होने के बाद सिंपल सा आपको डाटा बेस को ओपन करना होगा। डाटा बेस को ओपन करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे सबसे बड़ी फाइल को ढूंढना होगा। जैसे मैं यहाँ से सबसे बड़ी फाइल मेरी यहाँ पे ये है GB व्हाट्सएप 3.55 MB की। सिंपल से उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सिंपल से यहाँ से रीनेम करेंगे। रीनेम करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ से वन से पूरा यहाँ तक आपको डिलीट करके सिंपल से रीनेम कर देना है। रीनेम करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ से बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना जी व्हाट्सएप पे नंबर डालना होगा। जैसे मैं इस पर जाता हूँ, जाने के बाद अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ सिंपल सा अपना नाम मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। इससे आप फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर जाएंगे। जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको वेरीफिकेशन के लिए भेज दी जाएगी। जैसे मेरा यहाँ से मोबाइल नंबर वेरीफाइड होता है, वेरीफाइड होने के बाद मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे यहाँ से वेरीफाइड हो गया है। वेरीफाइड होने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे और आप कुछ देर बाद देखेंगे मेरा यहाँ डाटा आ चुका है। डाटा आने के बाद सिंपल से यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे।
जैसे आप रिस्टोर पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा यहाँ 1916 मैसेज रिस्टोर हो चुके हैं। तो सिंपल सा आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा अपना कोई नाम फिलअप कर लेना है। नाम फिलअप करने के बाद यहाँ इंस्टॉलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो। जैसे इंस्टॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपल से यहाँ से V15 का अपडेट यहाँ शो हो जाएगा। आप सिंपल से यहाँ से क्लोज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे पूरी डाटा मेरा पूरी तरह से यहाँ पे रिस्टोर हो चुका है। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।